गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये जो है हमारे यहाँ चिकन और इनसे हमें मिलते हैं अंडे और चिकन, और उनसे भी ज़रूरी एक चीज़ है, ये जो है स्नेल्स को खाते हैं। अब स्नेल्स हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे थे अब, और ये हम उनसे पूछ रही थी कि स्नेल्स हमें जो है इतनी प्रॉब्लम क्यों दे रहे थे। तो ऐसा है कि मैं इसको पहले तो थोड़ा गुस्सा हो रहा था कि सानवी गंदे लगते हैं, पर जब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा था तो मुझे जो है कुछ और याद आ गया, तो जो कि सबको जानना ज़रूरी है। तो ऐसा है कि जो स्नेल्स हैं, पहले तो वो जो हैं गंदे लगते हैं, मर जाते हैं तब भी गंदे लगते हैं, और इधर उधर चिपके हुए मिलते हैं वो। और हमारे यहाँ जो है हरियाली काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है और भी ज़्यादा स्नेल्स होते हैं। तो अब स्नेल से होता ये है कि जो है स्नेल्स अगर जो हैं अंडे देते हैं सब्जियों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, इसीलिए जो है कच्ची बंद गोभी और इवन जो चाइनीज़ में अध पकी जो बंद गोभी होती है उसे खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जो वो है अंडा जो होता है, अगर वो स्नेल का अंडा है तो वो ख़त्म नहीं होता है और वो ज़िंदा होता है, उसके अंदर जो भी स्नेल होता है। तो अगर आप उसे खा लेंगे वो जो है खाने के बाद धीरे धीरे जो है अगर वो हैच हो जाता है, मतलब बच्चा निकलता है उससे, तो वो जो है सीधा आपके दिमाग में चला जाता है और दिमाग को खाना शुरू कर देता है। तो जब वो दिमाग को खाएगा तो कुछ लोगों को जो है फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब वो जो है जब आप उसकी दवाई लेते हैं तो वो जो दवाई है 3 साल चलती है। वो दवाई 3 साल इसलिए चलती है क्योंकि उसमें जो अगर मान लो कि जो वो कीड़ा है उसको वो डोरमेंट स्टेज में रखते हैं ताकि वो सोया रहे, और अगर पोटेंशियली उस कीड़े ने आगे और अंडे दिए उस अंडों में से और बच्चे ना निकलें, इसलिए जो है 3 साल तक दवाई खानी पड़ती है। तो ये जो स्नेल्स हैं, ये जो मुर्गे हैं, उन स्नेल्स को खा के हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं ताकि उतनी ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन ना आए। तो अच्छा है ये काफ़ी हेल्पफुल है ये, और अंडे तो हैं ही हैं। थैंक यू।